नहीं है करने के लिए, आज लॉगिन करना ही नहीं है। अच्छा कुंजी का दिमाग ज्यादा चलेगा इधर उधर, अरे ये सोचता हूँ, ये स्टोरी सोचता हूँ, अच्छा चलो गौतम को फोन करता हूँ, बुला लेता हूँ, मिल गया। हाँ तो उसमें ये वाला फायदा रहता है कि भैया सोचने को ज्यादा रहता है। अब यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, कुछ अब इतना पहले यही करते हैं। अभी ऊपर आ चुका हूँ मैं नहा धो के, क्योंकि मैंने सोचा कि यार पहले फ्रेश हो जाऊँ, और मन तो नहीं कर रहा था नहाने का, लेकिन सोचा कि तबीयत खराब है, लेकिन जो फ्रेशमेंट आती है ना नहाने के बाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोचा छत पे आया तो दोबारा मुकुंद गौतम से मेरी बात चल रही थी, और एक घंटा बात चली है, मतलब बात सिर्फ फ्यूचर को लेके हो रही थी, क्योंकि टेंशन उसको अचानक, मतलब तीनों का एक जैसा ही है कि मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या, बात को जैसे उसको टेंशन हो गई तो फिर वो फ़ोन करता है, बताता है, फिर हम उसको समझाते हैं। तो एक ग्रोथ की बात भी हो रही थी यार कि हम लोग कर क्या रहे हैं अपने लिए, हम मतलब मैं ये बात हमारे लिए नहीं है, ये लागू सभी के ऊपर होती है कि जो बंदा जॉब कर रहा होता है और जो ऑफिस से जॉब, जॉब से ऑफिस ही काम कर रहा होता है, उसके अलावा और कुछ उसका डेली लाइफ रूटीन होता ही नहीं है। अच्छा हमको सिखा रहा है। सोचता तो रहता है अपने लिए कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, लेकिन बंदा करता कितना है, वो कब करता है, शुरुआत ही नहीं अगर करेगा तो वो दिन ही नहीं आएगा कभी भी जो वो करना चाहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। जॉब से तो कुछ होने वाला है नहीं, जो मतलब जितने भी बंदे जॉब कर रहे हैं ना, सब मजबूरी में ही कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, बहुत से लोग देखो सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना डिसीजन है सोचने समझने का, कोई कैसे सोचता है कोई कैसे सोचता है, लेकिन हम मैं ये सोचता हूँ और मुकुंद गौतम हम अपन तीनों यही सोचते हैं कि यार हम लाइफ अपनी अपनी ग्रोथ के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि भाई जॉब आपसे कुछ होने नहीं वाला आज की डेट में, तो क्योंकि जो कोरोना का टाइम चल रहा है। ये ड्रग्स है, अगर वाकई ये माल 1 करोड़ रुपए का है तो इसको साले को बेच डाले, कम से कम सारी जिंदगी उस चंपक सेठ के लिए अपना पिछवाड़ा उठा उठा कर मुजरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अरे दो गाली मारेंगे उस चंपक सेठ को और सारी जिंदगी ऐश से जिएंगे, क्या बोलता है, इस माल को बेच दे। ग्रोथ ही नहीं है भाई, कोई ग्रोथ नहीं है आज की डेट में जॉब वगैरह के अंदर, और वही सोच उनको भी मैं यही समझा रहा था यार, जैसे कि मैं भी जैसे स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब आप लोग को पता ही है, चाहे बेकार वीडियो बना रहा हूँ मैं, काम करते करते बना रहा हूँ, लेकिन लोगों को लगता होगा कि क्या ही है इसकी वीडियो में, कुछ भी तो नहीं है यार, लेकिन चलो मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो में कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ कि कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहा हूँ, कम से कम मेरे को ये तो नहीं है ना कि भाई ये काम नहीं हो पाया, क्योंकि ये भी एक मेरी लाइफ का और मेरी काम का हिस्सा है। हम ये सोच के बैठ जाए ना कि यार इस चीज़ से तो कुछ नहीं होने वाला, बिजनेस में बंदा, कोई भी बंदा पैसा लगाता है ना तो एक साल तक उसकी ऐसी की तैसी रहती है, क्यों, क्योंकि वो पैसा लगाता है और रिटर्न इतनी आसानी से नहीं मिलता, टाइम तो लगता है रिटर्न आने में, लेकिन टाइम तो लगता है ना, आता तो है लेकिन टाइम तो लगता है ना, ऐसी यही चीज़ भी है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ यार रिटर्न तो नहीं मिल रहा, यार रिटर्न तो नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। रिटर्न तो मिलेगा ना, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे तब तक कुछ फ़ायदा ही नहीं है। नहीं मैं क्या सोच रहा था, इस वक्त आपको किसी एंगल से ये नहीं लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है, वीडियो शूट करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो यही चीज़ होती है कि अगर किसी भी काम की लगन है ना आपको, तो वो तो आप करोगे ही करोगे, और सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग कामों में लगन होती है सबकी। तो अपन तीनों को यही था कि इतनी लंबी चौड़ी टेंशन, जो एक घंटे की बातचीत करी है, यही टेंशन थी कि यार लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है।
मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना बड़े वाला उल्लू कटा है ना मेरा, पूरा व्लॉग एंड करने वाला था मैं, एंड कर चुका था। अंत में मैंने देखा लास्ट में कि वीडियो चेक करी एक बार, अभी ऐसी मैंने मतलब जो लास्ट में चेक करता हूँ पूरी वीडियो स्लोमो में बन गई भाई। पौधों का मैंने लिया ना स्लोमो और मैं चेंज करना भूल गया मोड। तो ये चीज़ें भी होती हैं, दिमाग ख़राब होता है। तो इसी के साथ ये व्लॉग भी कंप्लीट होता है मेरा छत पे, और इस चीज़ की बहुत खुशी है मुझे कि हालांकि आपके पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा कुछ भी वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता नहीं। एक वीडियो और बन चुका है, क्योंकि ना बनाने से कुछ बनाना ही बेहतर होता है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। का चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो नहीं। और सपोर्ट दिखाओ, और अच्छा लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो मुझे, क्योंकि 0 से लेके 460 सब्सक्राइबर्स गेन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और 100 वीडियोस पूरी हो चुकी है, वो भी आप ही की वजह से पूरी हुई है, क्योंकि अगर आप लोगों का साथ नहीं होता, प्यार नहीं होता, तो ये वीडियोस भी पूरी नहीं हो पाती। अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमेशा खुश रहो बस। खुश रहो बस। खत्म।